नाउ द स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप फॉर अ बायर. अब इसमें हमें क्या करना है, देखो ध्यान से. सपोज करिए कि मेरे पास एक रिजिड सपोर्ट है, इस रिजिड सपोर्ट से मैंने एक वायर को हैंग किया हुआ है, ठीक है. इस वायर के दूसरे एंड पर एक हैंगर अटैच किया है और इस हैंगर पे हम वेट्स ऐड करेंगे, रिमूव करेंगे, ऐड करेंगे, रिमूव करेंगे, ठीक है. लोडिंग अनलोडिंग करेंगे. सो वी टेक अ वायर, उस वायर पे एक हैंगर अटैच करके हैंगर पे हम पहले एक वेट ऐड करेंगे, फिर उसे रिमूव करेंगे, फिर और वेट ऐड करो, रिमूव करो, फिर और ज्यादा वेट ऐड करो, रिमूव करो. वी आर डूइंग दिस. तो ये करने से क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप वायर पे वेट्स ऐड कर रहे हो, दैट मींस आप उस पर स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हो, राइट. वेट्स ऐड करने का मतलब है यू आर अप्लाइंग अ डिफॉर्मिंग फोर्स. सो यू आर अप्लाइंग अ स्ट्रेस ओवर हियर. सो जैसे जैसे आप स्ट्रेस लगाते जा रहे हो, एक कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रेन उस वायर में प्रोड्यूस होता जा रहा है. जब आप स्ट्रेस रिमूव करते हो तो स्ट्रेन भी गायब हो जाता है एंड वायर विल ट्राई टू रिगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फिग्रेशन. ठीक, आपने और ज्यादा वेट्स बढ़ाए, मतलब आपने और ज्यादा स्ट्रेस लगाया तो और ज्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ. फिर आपने सारे वेट्स रिमूव करे, स्ट्रेस रिमूव किया, हो सकता है वायर फिर से अपनी ओरिजिनल कॉन्फिग्रेशन एक्वायर कर ले, लेकिन 100% ना कर पाए, क्योंकि एक वायर पर कॉन्टिन्यूसली आप उस वायर को वेट लगा के खींचे जा रहे हो तो क्या होगा, वायर थिन होना स्टार्ट होगी और एक पॉइंट पे वायर टूट भी जाएगी. सो यही सारी चीज हम यहां पर स्टडी करेंगे कि वायर पे आप कॉन्टिन्यूसली एक स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो. एंड आई उसमें ये है कि फिर आप ये देखो कि भाई कैसे जो स्ट्रेस अप्लाई करने पे स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है वो कैसे चेंज हो रहा है स्ट्रेस के साथ. सो यही स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप है जो हमें यहां पर पढ़नी है, ठीक. अब जब कॉन्टिन्यूसली ऐसा लोडिंग अनलोडिंग, लोडिंग अनलोडिंग की गई वायर की, सो स्ट्रेस स्ट्रेन के लिए एक ग्राफ ऑब्टेन किया गया. देखो कैसा ग्राफ था ये. वाई एक्सिस पर स्ट्रेस प्लॉट करते हैं, एक्स एक्सिस पर स्ट्रेन प्लॉट करते हैं. तो जब आप ये ग्राफ देखेंगे कैसा आएगा, ओ है ये ओरिजिन जीरो, यहां से स्टार्टिंग में तो बिल्कुल लीनियर ग्राफ आता है, एकदम स्ट्रेट लाइन टिल पॉइंट ए. इसके बाद ये ग्राफ थोड़ा सा कर्व हो जाता है, अब स्ट्रेट नहीं है, ठीक है. लेट्स से हल्का सा कर्व होता है टिल पॉइंट बी. उसके बाद ये एक मैक्सिमम वैल्यू लेता है, लेट्स से पॉइंट सी. फिर ये थोड़ा सा ऐसे कर्व हो जाएगा डी पॉइंट तक, देन इट विल इंक्रीज एंड एंड ई एंड एफ. ये शेप हमें ग्राफ की मिलती है. मैं अब ये एक्सप्लेन करती हूं ये ए बी सी डी ई एफ है क्या, ठीक है. बट आप इतना ध्यान रखिए कि जब आप एक वायर पर लोडिंग अनलोडिंग कॉन्टिन्यूसली करते जा रहे हो, जब तक वायर टूट नहीं जाती तब तक स्ट्रेस स्ट्रेन का एक रिलेशनशिप का कर्व हमें इस तरीके से मिलेगा. अब ये क्या सारी चीजें हैं ये देखो. सबसे पहले जो पोर्शन है ओ ए, ठीक है, ओ टू ए, यहां पे क्या हो रहा है, ओ ए पोर्शन में आपने क्या किया, वायर पे स्ट्रेस अप्लाई किया एंड उसमें कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रेन प्रोड्यूस हो गया.
जब आपने स्ट्रेस रिमूव किया तो स्ट्रेन भी गायब हो गया, मतलब वायर ने अपना ओरिजिनल कॉन्फिग्रेशन कंप्लीटली एक्वायर कर लिया। सो दैट मींस जितना स्ट्रेस आप लगा रहे हो उसी हिसाब से स्ट्रेन भी बढ़ रहा है, इसीलिए ये एक स्ट्रेट लाइन आया है। सो दैट मींस स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन ओ ए पोर्शन में, ठीक है, एंड स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, सो इट मींस हुक्स लॉ इज ओबेड, ठीक है, ओ ए पोर्शन तक हुक्स लॉ ओबे हो रहा है, एंड सिंस ए पॉइंट तक हुक्स लॉ ओबे हुआ है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, इसीलिए ए पॉइंट को प्रोपोर्शनल लिमिट भी कहा जाता है, ठीक है। टिल ए पॉइंट द वायर इज फॉलोइंग हुक्स लॉ, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, so that is why point A is called as the proportional limit, ठीक। अब beyond A point क्या होगा, when we go beyond this point A, now the AB portion जो है, the portion AB is not a straight line, अब ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, अब ये हल्का सा कर्व आ जाता है, बहुत स्लाइट कर्व आ जाता है, इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। दैट मींस अगर आप एक वायर को लोड करते हो, आप उस पर स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हो ओ ए बी, आपने ओ ए बी स्ट्रेस अप्लाई किया, सो स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद जब आप स्ट्रेस हटाते हो, जब आप अनलोड करते हो वायर को, सो दिस वायर विल टेक अ रिवर्स पाथ बी ए ओ एंड इट विल अचीव इट्स ओरिजिनल कॉन्फिग्रेशन। समझ आया, मतलब ए तक तो ओके ए तक तो हुक्स लॉ डायरेक्ट फॉलो हो रहा है, ठीक है, जैसा आपने स्ट्रेस बढ़ाया वैसा स्ट्रेन बढ़ा, डायरेक्ट रिलेशन है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब ए से जब आप आगे बढ़े, मतलब अब स्ट्रेन को और ज्यादा इंक्रीज, स्ट्रेस को और ज्यादा इंक्रीज कर दिया, सो और ज्यादा स्ट्रेस इंक्रीज करने पर स्ट्रेन और ज्यादा बढ़ गया, ठीक। बट जब आपने वायर को अनलोड किया, वायर को अनलोड करने पर वायर ने अपना ओरिजिनल कॉन्फिग्रेशन एक्वायर तो कर लिया, बट ये कह सकते हो कि 99% कर लिया, पूरी तरह से कंप्लीटली नहीं कर पाया। सो बी पॉइंट जो है, पॉइंट बी तक वायर अपना इलास्टिक बिहेवियर दिखा रही है कि जब तक आप स्ट्रेस लगा रहे हो और डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव कर रहे हो, सो वायर इज regaining its original configuration, मतलब A to B जाने पर graph straight line तो नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जब आप stress remove कर रहे हो so wire अपनी original configuration acquire कर पा रही है अभी भी, मतलब अगर मैंने O A B path से एक stress apply किया तो स्ट्रेस रिमूव करने पर वायर वापस आएगी ना अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पर, सो वापस वो इसी रास्ते से आ जाएगी बी ए ओ। सो बी, हाँ जी हाँ जी, सो बी पॉइंट तक क्या हो रहा है, बी पॉइंट तक अब जो वायर है वो अभी भी जब आप स्ट्रेस रिमूव कर रहे हो तो वायर फिर से अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन रीगेन कर पा रही है, इसी वजह से जो बी पॉइंट है उसे इलास्टिक लिमिट बोलेंगे,
इलास्टिक लिमिट, कि मतलब अब वायर जो है बी पॉइंट पर पहुंचने पर अपनी अपर लिमिट तक पहुंच चुकी है, ये इसकी मैक्सिमम लिमिट है कि बी पॉइंट तक जब तक आप स्ट्रेस लगा रहे हो और रिमूव कर रहे हो तो वायर अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन रीगेन कर पा रही है. सो पॉइंट बी इज द इलास्टिक लिमिट. और ये जो पोर्शन है ग्राफ का ओ से बी तक का, दिस इज द इलास्टिक रीजन. पोर्शन ओ बी इज द इलास्टिक रीजन, मतलब ओ से बी तक अभी वायर इलास्टिक है, इलास्टिसिटी है वायर के पास. आप स्ट्रेस लगाकर उसको स्ट्रेच कर रहे हो एंड व्हेन यू आर रिमूविंग द स्ट्रेस सो वायर इज रीगेनिंग इट्स ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन. सो टिल पॉइंट बी द वायर इज हैविंग इलास्टिसिटी, ठीक है. बट ए बी पोर्शन में, ये जो ए बी पोर्शन है यहां पर हुक्स लॉ ओबे नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि 100% एक्वायर नहीं कर रही वायर अपनी कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है. हुक्स लॉ इज नॉट ओबेड, मतलब ऐसा नहीं है कि जितना स्ट्रेस आप लगा रहे हो एग्जैक्टली वैसा ही स्ट्रेन उसमें प्रोड्यूस हो. अब हम जाते हैं बियॉन्ड पॉइंट बी. अब आपने वायर पर और ज्यादा स्ट्रेस लगाया और ज्यादा उसको वेट्स ऐड करो. सो जैसे ही अब आप वायर पर और ज्यादा वेट्स डालोगे आपके पास एक पोर्शन आएगा बी सी, मतलब यहां से यहां तक आपने स्ट्रेस बढ़ाया तो स्ट्रेन भी बढ़ गया. बट बी सी का जो पोर्शन है वो ऐसा पोर्शन है जिसमें अगर आप थोड़ा सा भी स्ट्रेस लगाओगे तो स्ट्रेन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगा. क्यों? क्योंकि अब वायर को आप खींचते जा रहे हो, अब उसके अंदर उतना इलास्टिसिटी नहीं बचा, ठीक है. सो जब आप बी से सी पोर्शन पे जा रहे हैं हल्का सा स्ट्रेस लगाने पर भी स्ट्रेन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक. सो जब आप वायर को बी से सी पोर्शन पर लेकर जाते हो सो थोड़ा सा स्ट्रेस बहुत ज्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब अब वायर जो है वो डिफॉर्म होना स्टार्ट हो गई है. सो जब आप स्ट्रेस रिमूव करोगे तो स्ट्रेस रिमूव करने पर क्या होना चाहिए? वायर को अपना ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन रीगेन कर लेना चाहिए, सी बी ए ओ वापस आ जाना चाहिए उसको. बट ऐसा नहीं होता. वायर सी पॉइंट पर पहुंचकर वापस अपना ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन नहीं एक्वायर कर पाती, रादर कुछ ऐसा होता है. देखो सी ओ वन पाथ फॉलो करके वायर जितना भी अपना ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा बहुत ही सही जितना एक्वायर कर पाती है वो कर लेती है. सो ये जो पोर्शन यहां पर आया ओ ओ वन, ये आपको क्या इंडिकेट कर रहा है कि इवन इफ स्ट्रेस जीरो है, भाई ओ वन पॉइंट पर स्ट्रेस तो जीरो है ना, इवन इफ स्ट्रेस जीरो है स्ट्रेन जीरो नहीं है. स्ट्रेन कितना है? ओ ओ वन. मतलब अब आप वायर पे स्ट्रेस नहीं भी लगा रहे हो तो भी वायर में एक परमानेंट स्ट्रेन प्रोड्यूस हो चुका है, मतलब अब वायर खिंच चुकी है, अब वो वापस अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन नहीं लेगी जब आप लोड को हटाओगे. सो इतना ओ ओ वन एक परमानेंट स्ट्रेन उसके अंदर डेवलप हो चुका है. दिस ओ ओ वन इज कॉल्ड एज परमानेंट सेट. परमानेंट सेट, समझ आया?
बेटा ओ से ए तक वायर हुक्स लॉ ओबे कर रही है, जितना स्ट्रेस आप लगा रहे हो उतना स्ट्रेन वो प्रोड्यूस कर रही है। जब आप वायर को अनलोड कर रहे हो तो वायर ए से ओ वापस इसी पाथ से आकर अपनी ओरिजिनल कॉन्फिग्रेशन एक्वायर कर रही है। आपने और ज्यादा स्ट्रेस बढ़ाया, ए से आप बी पॉइंट तक पहुंचे, और ज्यादा स्ट्रेस बढ़ाने से स्ट्रेन बढ़ा। जब आपने स्ट्रेस रिमूव करा तो वायर ने फिर से अपनी ओरिजिनल कॉन्फिग्रेशन एक्वायर कर ली बी ए ओ रिवर्स पाथ से। आपने स्ट्रेस लगाया ओ ए बी, स्ट्रेस रिमूव करा सो वायर वापस बी ए ओ पाथ लेकर अपने ओरिजिनल कॉन्फिग्रेशन पर आ गई। सो ये मैक्सिमम लिमिट थी वायर के लिए कि जब तक आप उसे स्ट्रेच कर रहे हो और फिर डिफॉर्मिंग फोर्स हटा रहे हो तो वायर अपनी ओरिजिनल कॉन्फिग्रेशन ले रही है, इसीलिए पॉइंट बी को इलास्टिक लिमिट बोला गया है। ठीक, अब बी ओ बी वाला जो रीजन है वो इलास्टिक रीजन बन गया। क्यों? क्योंकि ओ से ए तक हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है, ए से बी तक अभी भी इलास्टिसिटी शो कर रही है वायर, बस हुक्स लॉ ओबे नहीं कर रही। सो ओ से बी तक का जो ये पूरा रीजन है दिस इज इलास्टिक रीजन। ठीक है, जब आपने और ज्यादा स्ट्रेस बढ़ाया, अब आप बी से सी पर चले गए, मान लो मैंने और ज्यादा वेट्स ऐड कर दिए वायर पर, तो क्या होगा? वायर और ज्यादा खींचेगी, और ज्यादा स्ट्रेच हो जाएगी। अब जब लोड हटाओगे तो वायर अब पूरी तरीके से वापस अपनी ओरिजिनल कॉन्फिग्रेशन नहीं ले पाएगी, मतलब अब उसके अंदर एक परमानेंट स्ट्रेन डेवलप हो चुका है, अब वायर वापस अपनी ओरिजिनल कॉन्फिग्रेशन नहीं एक्वायर कर रही। सो ये जो बी से सी वाला पोर्शन है, इस बी से सी वाले पोर्शन में अब क्या हो रहा है? वायर हैज बिकम हाफ इलास्टिक एंड हाफ प्लास्टिक, पार्टली इलास्टिक एंड पार्टली प्लास्टिक बी से सी वाले पोर्शन में। यहां तक पूरा बी पॉइंट तक पूरी वायर इलास्टिक थी, आपने और ज्यादा स्ट्रेस बढ़ाया, स्ट्रेन और ज्यादा बढ़ गया। अब वो वायर जब वापस आप अनलोड कर रहे हो तो वापस नहीं जा पा रही अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज पर, यानी कि बी से सी पर आते आते वायर अब कुछ हद तक प्लास्टिक भी बन चुकी है, प्लास्टिक बिहेवियर एक्वायर कर चुकी है। ठीक है, सो बी टू सी पोर्शन में द वायर हैज हाफ इलास्टिक एंड हाफ प्लास्टिक बिहेवियर। अब क्या होगा जब आप, हाँ, और जब आप वायर को अनलोड कर रहे हो सी पॉइंट पर तो वायर वापस सी बी ए ओ पाथ फॉलो करके नहीं आ रही अपनी ओरिजिनल कॉन्फिग्रेशन में। अगर वायर अब लूज हो गई है, स्ट्रेच हो गई है, अब वो रह गई वहीं पर, हल्का सा शायद वापस आ जाए, यानी कि उस वायर में अब आपने स्ट्रेस नहीं भी लगा रखा तो वायर फिर भी डिफॉर्म हो चुकी है, एक ओ ओ वन स्ट्रेन परमानेंटली अब उस वायर में डेवलप हो चुका है। सो ओ ओ वन इज कॉल्ड एज परमानेंट सेट, एक परमानेंट डिफॉर्मेशन उसके अंदर आ गया। नाउ वी विल गो बियॉन्ड पॉइंट सी। अब सी से जब आप और आगे बढ़ते हो तो देखो ग्राफ ऐसा है, यानी कि अब मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई नहीं कर रही, हल्का सा स्ट्रेस लगाया, इतना ज्यादा स्ट्रेन बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि अब वायर लूज पड़ना स्टार्ट हो रही है, समझ आया? तो हल्का सा स्ट्रेस बढ़ाया, वायर में इतना ज्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ, दैट मींस वायर जो है अब सी डी पोर्शन में परफेक्टली प्लास्टिक बन चुकी है।
नाउ इट हैज बिकम परफेक्ट प्लास्टिक. मतलब अब वायर कुछ भी कर लो आप, बिल्कुल भी अपनी ओरिजिनल कॉन्फिग्रेशन नहीं एक्वायर करेगी. खिंच चुकी है वो, उसे जितना खिंचना था स्ट्रेच हो चुकी है वो. अब 0% इलास्टिसिटी हो गई है वायर के अंदर. अब वो वापस अपनी ओरिजिनल कॉन्फिग्रेशन नहीं लेगी. ठीक. सो सी डी इज अ पोर्शन इन विच द वायर हैज बिकम परफेक्टली प्लास्टिक. यानी कि जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां तक वायर ने अपना 100% आउटपुट दिया. सी तक फिर भी उसके अंदर थोड़ा सा इलास्टिक बिहेवियर बचा था. राइट. सो सी पॉइंट तक वायर ने अपना इलास्टिक बिहेवियर यील्ड किया, आउटपुट दिया. इसीलिए सी पॉइंट को यील्ड पॉइंट बोला जाता है. सी इज कॉल्ड एज यील्ड पॉइंट. व्हाई यील्ड पॉइंट? बिकॉज टिल पॉइंट सी द वायर हैज गिवन इज 100% आउटपुट. सी पॉइंट तक जितना वो अपना मैक्सिमम यील्ड दे सकती थी इलास्टिसिटी बिहेवियर का, उसने दिया. सी के बाद अब वो परमानेंटली प्लास्टिक बन चुकी है. सो सी इज कॉल्ड एज द यील्ड पॉइंट. और जो ये कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रेस है यहां पर, ये लेट्स से सी डैश, सी सी डैश, दिस इज कॉल्ड एज द यील्ड स्ट्रेंथ. ठीक है. सी पॉइंट वो पॉइंट है जब मैक्सिमम यील्ड इस वायर ने अपना दे दिया है. सो सी इज द यील्ड पॉइंट एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रेस इज कॉल्ड एज द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द वायर. ठीक. अब आप डी पॉइंट पर पहुंच चुके हो. अब हम डी पॉइंट से आगे बढ़ेंगे. अब आप ध्यान से देखना, डी पॉइंट से जब हम आगे बढ़ रहे हैं, जैसे ही आपने स्ट्रेस इंक्रीज किया, स्ट्रेन भी बढ़ गया, एकदम बढ़ गया स्ट्रेन. करेक्ट. इसका मतलब अब क्या हुआ, वायर हैंग आपने की हुई है वायर पर, वो वायर अब परफेक्टली प्लास्टिक बन चुकी है. यानी कि जब आप उस पर से लोड हटा दोगे, वायर अपना ओरिजिनल कॉन्फिग्रेशन बिल्कुल भी एक्वायर नहीं कर पाएगी. सो वायर हैज बिकम अ परमानेंट प्लास्टिक नाउ. सो डी पॉइंट पर वायर इज अ परमानेंट प्लास्टिक. अब क्या होगा, अब उस परमानेंट प्लास्टिक वायर पर आप और ज्यादा फिर से लोड डाल रहे हो, तो अब क्या होगा, वायर ने टूटना ही है. करेक्ट. सो डी से ई पोर्शन तक थिनिंग ऑफ वायर विल स्टार्ट. वायर अब पतला होना स्टार्ट कर देगी. थिनिंग ऑफ वायर स्टार्ट्स. भाई आप एक वायर को कॉन्टिन्यूअसली खींचे जा रहे हो, टूटेगी वो, पहले पतली होनी स्टार्ट होएगी और फिर टूट जाएगी, यही हो रहा है. तो डी तक उसके अंदर परमानेंट प्लास्टिक बिहेवियर आ चुका है. आपने फिर और ज्यादा स्ट्रेस बढ़ाया, बहुत ज्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ वायर में. डी टू ई में थिनिंग ऑफ वायर हैज स्टार्टेड. वायर अब पतला होना स्टार्ट हो रही है, थिनिंग ऑफ वायर. एंड जैसे ही वायर बिल्कुल थिन हो चुकी होगी, देन ई टू एफ में द वायर ब्रेक्स, टूट जाएगी वायर. ठीक है. इसीलिए एफ पॉइंट को ब्रेकिंग पॉइंट
या फ्रैक्चर पॉइंट बोलते हैं। वायर के अंदर फ्रैक्चर आ गया, क्या होता है फ्रैक्चर आना, बोन टूट जाती है ना आपकी, वही चीज वायर के अंदर हो गया, वायर टूट गई जब आपने उसमें और ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई किया। सो एफ इज कॉल्ड एज द ब्रेकिंग पॉइंट और द फ्रैक्चर पॉइंट। एंड ई पॉइंट पर, ई पॉइंट पर वायर बिल्कुल थिन हो चुकी है। सो जब कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रेस है ई पॉइंट पर, लेट्स से ई डैश, इसको बोलते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस। ई डैश इज कॉल्ड एज ब्रेकिंग स्ट्रेस और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अल्टीमेट स्ट्रेस। वाई ब्रेकिंग स्ट्रेस? बिकॉज डी से ई तक के पोर्शन में वायर थिन हो गई, ई पॉइंट पे वायर बिल्कुल थिन हो चुकी है, बिल्कुल पतली, और अब उस पर जो स्ट्रेस लग रहा है वो उस वायर को ब्रेक कर देगा, इसीलिए ई डैश को ब्रेकिंग स्ट्रेस बोला जाता है। और ई पर जैसे ही स्ट्रेस लगा वायर टूट गई, ब्रेकिंग पॉइंट या फ्रैक्चर पॉइंट अचीव हो गया। सो दिस इज द कंप्लीट जर्नी ऑफ अ वायर विच इज कॉन्टिन्यूसली गोइंग, लोडिंग एंड अनलोडिंग, लोडिंग एंड अनलोडिंग। सो ब्रीफली, और आई वुड से टू समराइज व्हाट वी कैन से, देयर इज अ वायर, उस वायर पर आप कॉन्टिन्यूसली वेट्स एड कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो, एड कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो, ठीक है। यू आर कॉन्टिन्यूसली अप्लाइंग स्ट्रेस, स्ट्रेन ऑब्जर्व किया, फिर स्ट्रेस हटा दिया, ठीक है। ये करने पर हमें एक ग्राफ ऐसा मिला, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ग्राफ मिला, ओ ए बी सी डी ई एफ, ठीक। अब इस ग्राफ को पोर्शन बाय पोर्शन हमने स्टडी किया, कैसे किया कि जब वायर पर स्ट्रेस अप्लाई किया इनिशियली, तो उसमें उसी के अकॉर्डिंग एक कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ, दैट मींस स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये हुआ पोर्शन ओ ए में, ए तक। सो ओ ए तक हुक्स लॉ ओबे होगा एंड स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन रहेगा, इसीलिए ए पॉइंट को प्रोपोर्शनल लिमिट बोला गया, ठीक है। इसके बाद अब आपने और ज्यादा स्ट्रेस इंक्रीज किया, आपने वायर पर और ज्यादा स्ट्रेस लगाया, वायर के अंदर और ज्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ। सो वायर ए से बी पोर्शन तक पहुंची, बी पॉइंट तक। सो ए बी रीजन जो है वहां पर भी जब आप वायर को स्ट्रेच करके रिलीज कर रहे हो, वायर के अंदर इलास्टिसिटी है। अगर आप वायर को ए पॉइंट पर छोड़ देते हो, रिलीज कर देते हो डिफॉर्मिंग फोर्स से, तो वायर 100% कॉन्फिग्रेशन एक्वायर कर लेगी दोबारा। ओ ए स्ट्रेस लगाने पर जब रिमूव किया तो ए ओ पाथ से वायर वापस आ जाएगी। सिमिलरली बी पॉइंट पर भी यही होगा, बी पॉइंट तक जब आप स्ट्रेस लगाते हो और फिर वो स्ट्रेस रिमूव करते हो, सो द वायर विल टेक अ पाथ बी ए ओ एंड इट विल अगेन acquire its original configuration on removing stress. So B point एक maximum limit, एक upper limit है वायर की, जब तक वो elastic behavior show करेगी। आपने उसे खींचा, weight लगाया, remove किया weight, वापिस वायर अपना original configuration achieve कर गई। So B point को elastic limit बोला जाता है, एंड हेंस जो ये पूरा रीजन है ओ बी तक का, ये इलास्टिक रीजन कहलाएगा, ठीक है। अब आपने फर्दर और ज्यादा स्ट्रेस इस वायर पे अप्लाई किया, आपने और वेट्स ऐड कर दिए, अब क्या होगा, जो वायर है वो बी सी पोर्शन फॉलो करेगी,
बी सी पोर्शन में क्या हो रहा है कि अब आपने जब वायर पे स्ट्रेस लगाया, वायर स्ट्रेच हुई, अब जब आप स्ट्रेस रिमूव कर रहे हो सो वायर 100% अपना ओरिजिनल कॉन्फिग्रेशन एक्वायर नहीं करेगी। ठीक है, वायर को अगर वापस रीगेन करना होता, अगर वायर अपना 100% कॉन्फिग्रेशन दोबारा रीगेन कर रही होती तो वो ओ ए बी सी जो स्ट्रेस लगाया है वापस सी बी ए ओ पाथ से आ जाती। बट नाउ द वायर इज नॉट एक्वायरिंग इट्स 100% कॉन्फिग्रेशन, अब वायर सी बी ए ओ पाथ से वापस नहीं आएगी, वो सी ओ वन पाथ से वापस आएगी, यानी कि ओ ओ वन इतना एक परमानेंट स्ट्रेन वायर में डेवलप हो चुका है। सो इसे बोलते हैं परमानेंट सेट। मतलब अब आप वायर पे स्ट्रेस लगाओ और स्ट्रेस रिमूव करो तो वायर अब एक परमानेंट डिफॉर्मेशन एक्वायर कर चुकी है। ठीक है, सो सी पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते वायर आधी इलास्टिक और आधी प्लास्टिक बन चुकी है, हाफ इलास्टिक एंड हाफ प्लास्टिक। सी से जब आप और आगे बढ़े, अब आप हल्का सा स्ट्रेस लगा रहे हो, बहुत ज्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है क्योंकि वायर अब स्टार्ट हो चुकी है प्लास्टिक बिहेवियर एक्वायर करना। आप थोड़ी सी फोर्स लगाओ, बहुत ज्यादा वायर खिंच जाएगी। सो सी डी पोर्शन वो है जहां पे वायर परमानेंटली प्लास्टिक बन चुकी है, परफेक्ट प्लास्टिक बन चुकी है, यानी कि सी पॉइंट तक वायर ने अपना मैक्सिमम आउटपुट दे दिया, जितना मैक्सिमम इलास्टिक बिहेवियर वायर दिखा सकती थी सी पॉइंट तक उसने वो यील्ड कर दिया। सो दैट इज वाई सी पॉइंट इज कॉल्ड एज द यील्ड पॉइंट। एंड सी पॉइंट के लिए जो कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रेस है सी सी डैश, उसे बोलेंगे यील्ड स्ट्रेंथ। ठीक, अब डी से और आगे बढ़े, जैसे ही आप डी से ई पे जाओगे थिनिंग ऑफ वायर विल स्टार्ट। वायर को आप और खींच रहे हो वेट लगा के, अब वायर लूज पड़ना स्टार्ट हो जाएगी, थिन होना स्टार्ट हो जाएगी। सो इन द पोर्शन डी ई थिनिंग ऑफ वायर विल स्टार्ट एंड एट पॉइंट ई द वायर हैज बिकम थिनेस्ट रादर, जो बिल्कुल पतली सी वायर हो जाती है ई पॉइंट पर, अब वो बिल्कुल थिन हो चुकी है। और जैसे ही ई पॉइंट पर आप एक स्ट्रेस अप्लाई करोगे वायर विल ब्रेक एट पॉइंट एफ। सो दैट इज वाई पॉइंट एफ इज कॉल्ड एज द ब्रेकिंग पॉइंट और द फ्रैक्चर पॉइंट। एंड जो स्ट्रेस आपने ई पॉइंट पे लगाया जिसकी वजह से वायर ब्रेक हुई उसे बोलेंगे ब्रेकिंग स्ट्रेस और द अल्टीमेट स्ट्रेस। ये पूरा ग्राफ है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ओके, वी कैन क्लासिफाई, वी कैन डिस्टिंग्विश मटेरियल्स इनटू थ्री कैटेगरीज। ओके, द फर्स्ट टाइप ऑफ मटेरियल्स आर द डक्टाइल मटेरियल्स। अब डक्टाइल मटेरियल्स कौन से होते हैं, देखो, दीज आर बेसिकली दोज मटेरियल्स विच शो लार्ज प्लास्टिक रेंज बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट अचीव होने के बाद बहुत देर तक बहुत लार्ज एक प्लास्टिक रेंज ये शो करते हैं। ठीक है, एंड फॉर सच टाइप ऑफ मटेरियल्स द ब्रेकिंग पॉइंट इज वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इलास्टिक लिमिट। ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ पर जब आप देखोगे तो ऐसे मटेरियल्स के लिए जो ब्रेकिंग पॉइंट होता है, ब्रेकिंग पॉइंट कौन सा था, एफ, वो ब्रेकिंग पॉइंट इलास्टिक लिमिट से काफी दूर होता है। देखो, आप यहां देख भी सकते हो, ये ब्रेकिंग पॉइंट है और ये इलास्टिक लिमिट है। सो देयर इज अ वाइड सेपरेशन बिटवीन दीज टू पॉइंट्स।
इसका मतलब डक्टाइल मटेरियल्स जो होते हैं वो इलास्टिक लिमिट अचीव करने के बाद भी बहुत जल्दी ब्रेक नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि उनके लिए ब्रेकिंग पॉइंट काफी दूर है। एंड यही रीजन है कि ऐसे हम डक्टाइल मटेरियल्स को यूज करते हैं स्प्रिंग्स और शीट्स बनाने में। दे आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग स्प्रिंग्स एंड शीट्स, ओके। एंड व्हाट कैन बी द एग्जांपल्स? कॉपर, सिल्वर, आयरन, एल्यूमिनियम एंड मेनी अदर्स, राइट। ये सब मटेरियल्स डक्टाइल मटेरियल्स है। सो आप ध्यान रखिएगा, डक्टाइल मटेरियल्स के लिए जो स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ होगा वो वही ग्राफ होगा जो हमने जनरल ग्राफ पढ़ा है। द शेप विल बी द सेम फॉर डक्टाइल मटेरियल्स, ओके। इसके बाद दूसरे टाइप के जो मटेरियल्स होते हैं वो कहलाते हैं ब्रिटल मटेरियल्स। ब्रिटल मींस वेरी वीक, नाम से ही उनकी एक्सप्लेनेशन पता चल जाती है, राइट। ब्रिटल मटेरियल्स कौन से होते हैं? दीज आर दोज मटेरियल्स विच शो वेरी स्मॉल प्लास्टिक रेंज बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट। मतलब जैसे ही इलास्टिक लिमिट अचीव हुआ उसके जस्ट थोड़ी देर बाद ही प्लास्टिक रेंज स्टार्ट हो जाएगी, मतलब ये जल्दी से टूट जाएंगे, ठीक है। फॉर सच मटेरियल्स द ब्रेकिंग पॉइंट लाइज क्लोज टू इलास्टिक लिमिट। बिल्कुल इनका जो ब्रेकिंग पॉइंट है वो इलास्टिक लिमिट के बिल्कुल क्लोज लाई करेगा। मतलब आपने ऐसे मटेरियल्स को स्ट्रेच किया रिलीज किया, स्ट्रेच किया रिलीज किया, सो तब तक वो अपनी लेट्स से इलास्टिसिटी शो कर रहे थे। अब वो अपनी इलास्टिक लिमिट तक पहुंच चुके हैं। इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड जब आप इन पर एक डीफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे तो बहुत जल्दी ये ब्रेक हो जाएंगे, टूट जाएंगे। इसीलिए ब्रिटल है इनका नाम, द वेरी वीक, कमजोर मटेरियल्स है ये, ठीक है। एंड सिंस दे आर वेरी वीक दे ब्रेक इजिली जस्ट आफ्टर देयर इलास्टिक लिमिट, सो दैट इज वाई वी कैन नॉट यूज देम फॉर मेकिंग स्प्रिंग्स एंड शीट्स। आपने डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी ये सब पढ़ा है जूनियर क्लासेस में, राइट। सो ब्रिटल मटेरियल्स को आप स्प्रिंग्स और शीट्स बनाने के लिए यूज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल देखो क्या है, कास्ट आयरन, ग्लास, सबको पता है ग्लास आप एक हद तक आप उसको स्ट्रेच कर सकते हो, आप हीट करके ग्लास फॉर्म करो, आप कुछ हद तक ही करोगे, लेकिन एक पॉइंट के बाद ग्लास टूटना ही टूटना है, ठीक है। सो ब्रिटल मटेरियल्स के लिए इस टाइप का ग्राफ होता है। देखो यहां ओ से ए तक गया अच्छा खासा, और उसके जस्ट बाद देखो एकदम से ई एफ आ गए। सो फॉर सच मटेरियल्स द ब्रेकिंग पॉइंट लाइज क्लोज टू द इलास्टिक लिमिट, क्लियर। थर्ड टाइप के मटेरियल्स, ये आपके लिए न्यू है। थर्ड टाइप के मटेरियल्स होते हैं इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स कौन से मटेरियल्स है? ये वो मटेरियल्स हैं, पहली बात, जिनके लिए स्ट्रेस स्ट्रेन वेरिएशन स्ट्रेट लाइन होता ही नहीं है विद इन इलास्टिक लिमिट। मतलब इनके लिए जो ओ ए वाला पोर्शन है वो है ही नहीं, ठीक है। इलास्टिक रीजन बट इट इज वेरी लार्ज, मतलब वो रीजन यहां नहीं है जिसमें हुक्स लॉ फॉलो हो, बट स्टिल फॉर सच मटेरियल्स द इलास्टिक रीजन इज वेरी लार्ज। काफी ज्यादा टाइम तक आप ऐसे मटेरियल्स को स्ट्रेच कर सकते हैं, ओके। देन सेकेंड पॉइंट देखो, दे डू नॉट ओबे हुक्स लॉ ओवर मोस्ट ऑफ द रीजन्स। हुक्स लॉ भी ओबे नहीं करते ये, वो तो आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि ओ ए पोर्शन है ही नहीं, सीधा ओ बी पोर्शन है, ठीक है। एंड दे हैव नो प्लास्टिक रेंज,
मतलब ये ऐसे मटेरियल्स हैं जो प्लास्टिसिटी एक्वायर नहीं करेंगे, ये सिर्फ इलास्टिसिटी ही शो करेंगे, एंड इलास्टिसिटी के बाद ये डायरेक्टली ब्रेक, दे विल नॉट शो एनी प्लास्टिक बिहेवियर। जितना स्ट्रेच कंप्रेस हो सकते हैं करते जाओ करते जाओ, जहां इलास्टिक लिमिट अचीव हुई उसके जस्ट बाद अब ये ब्रेक ही होंगे, ठीक है। दे हैव नो प्लास्टिक रेंज एंड फॉर सच मटेरियल्स द ब्रेकिंग पॉइंट लाइज जस्ट क्लोज टू द इलास्टिक लिमिट। जहां इलास्टिक लिमिट अचीव हुई उसके जस्ट बाद ब्रेकिंग पॉइंट आ जाएगा और ये मटेरियल्स टूट जाएंगे। जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रबर, एक रबर बैंड ले लो, रबर बैंड को खींचते जाओ खींचते जाओ खींचते जाओ, जितना वो अच्छे खासा स्ट्रेच हो सकता है उसको करो, उसने अपनी इलास्टिक लिमिट अचीव कर ली। जैसे ही इलास्टिक लिमिट को क्रॉस करोगे रबर बैंड टूटेगा ही टूटेगा, ठीक है। और क्या एग्जाम्पल हो सकता है, लार्ज वेसल कैरिंग ब्लड फ्रॉम हार्ट। हमारी बॉडी में जो ब्लड वेसल्स हैं, राइट, सो इवन दे आर इलास्टोमर्स, ठीक है। बाकी बायो वाले बच्चों ने ये वर्ड पढ़ा होगा, हैव यू पीपल स्टडीड, दिस इज कॉल्ड एज एओटा, AORTA, ठीक है। तो ये जो एओटा होता है इसका भी जो इलास्टिक टिश्यू है, राइट, एओटा जिस टिश्यू की बनी हुई है, इवन दैट टिश्यू इज एन इलास्टोमर। सो आप देख सकते हो इवन हमारी बॉडी के अंदर भी ये सब चीजें हैं, ओके। एंड इलास्टोमर्स के लिए जो ग्राफ बनेगा स्ट्रेस स्ट्रेन का, वो इस तरीके से बनेगा, ओ बी, एक कर्व है, क्योंकि यहां पे हुक्स लॉ ओबे हो ही नहीं रहा, तो स्ट्रेट लाइन तो वैसे भी नहीं आएगी। एंड जैसे ही बी पॉइंट अचीव हुआ, इलास्टिक लिमिट अचीव हुई, इसके जस्ट बाद ब्रेकिंग पॉइंट ही आना है, कोई प्लास्टिक रीजन नहीं आएगा यहां पर, फाइन। सो दीज आर द थ्री कैटेगरीज ऑफ द मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। देखो कंपेयर करो, यहां पर इलास्टिक लिमिट के बाद काफी दूर तक प्लास्टिक रेंज है, यहां पर इलास्टिक लिमिट के बाद थोड़ी सी प्लास्टिक रेंज है, और यहां पर इलास्टिक लिमिट के बाद है ही नहीं प्लास्टिक रेंज, यहां पे इलास्टिक लिमिट फिर प्लास्टिक रेंज फिर ब्रेकिंग पॉइंट, यहां पर इलास्टिक लिमिट फिर छोटी सी प्लास्टिक रेंज फिर ब्रेकिंग पॉइंट, यहां पर इलास्टिक लिमिट फिर सीधा ब्रेकिंग पॉइंट, नो प्लास्टिक रेंज इन इलास्टोमर्स। फटीग वर्ड क्या इंडिकेट कर रहा है, कि जैसे मान लीजिए आप बहुत देर तक आपने कोई फिजिकल एक्टिविटी करी, बहुत देर तक मान लीजिए आप कोई गेम खेले थे, ठीक है, जब तक आप खेल रहे हो तब तक आपको कुछ पता नहीं चलता, बट जैसे ही आप गेम खेलकर व्हेन यू गो बैक टू योर होम यू रियलाइज कि शायद पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, आप बहुत ज्यादा थक गए हो, आपको लगता है कोई बस जल्दी से आपको ठंडा ठंडा पानी पिला दे, या फटाफट आप जाके आपको लगता है नहीं भाई एसी ऑन कर, बहुत तेज बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है, सो आई नीड रेस्ट। सो दिस इज फटीग, मतलब आप एकदम बुरी हालत में आ चुके हो, ठीक है। लेकिन जब आप रेस्ट करते हो, रेस्ट करने के बाद आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हो, ये ही सेम चीज वायर के साथ होती है, एक इलास्टिक मटेरियल के साथ भी होती है, उसे हम बोलते हैं इलास्टिक फटीग, ठीक है, इलास्टिक फटीग। अब ये क्या है ध्यान से देखो, जब भी हम एक इलास्टिक बॉडी को रिपीटेडली अल्टरनेटिंग डिफॉर्मिंग फोर्सेस लगाते हैं, ठीक है,
जब भी हम किसी एक इलास्टिक बॉडी को रिपीटेडली ऑल्टरनेटिंग डीफॉर्मिंग फोर्सेस लगाते हैं तो क्या होता है, वो वायर या वो इलास्टिक बॉडी बिल्कुल सेम वही बिहेवियर शो करती है जैसा आपकी बॉडी कर रही है, ठीक है। वो वायर भी फटीग हो जाएगी, थक जाती है। जैसे इसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं। मान लीजिए आपके पास दो रिजिड सपोर्ट हैं एंड इन दोनों रिजिड सपोर्ट से हमने टू आइडेंटिकल वायर्स को हैंग किया हुआ है। ओके, लेट्स से फर्स्ट वायर इज ए, सेकंड वायर इज बी और इन दोनों वायर्स के सेकंड एंड जो है, ये तो फिक्स एंड हो गया, जो ओपन एंड है वहां पर हमने टू सिमिलर डिस्क हैंग कर दी। डिस्क जो नॉर्मल डिस्क होती है, यू हैंग इट एट द टू एंड्स, दे आर आइडेंटिकल। ध्यान रखना, वायर्स भी आइडेंटिकल है, डिस्क भी आइडेंटिकल है, ठीक। अब लेट्स से जो ये डिस्क ए वायर से अटैच्ड है, इसको रिपीटेडली वाइब्रेशंस दी, रिपीटेडली इसको वाइब्रेट करो और बी को रेस्ट पे रहने दो। समझ आया? ए को आप रिपीटेडली वाइब्रेट कराते जाओ, बी को रेस्ट पे रहने दो, ठीक। अब दोनों वापस अपनी रेस्ट सिचुएशन पर आ गए। जब आपने इसको रिपीटेडली वाइब्रेट करा, इसको रेस्ट पे रखा, उसके बाद अब आप क्या करोगे कि अब दोनों ही डिस्क को सिमिलर वाइब्रेशंस प्रोवाइड करो। मतलब ए को आपने पहले कुछ देर तक वाइब्रेट कराया, बी को रेस्ट पे रखा, फिर अब दोनों को सिमिलर वाइब्रेशंस आपने साथ में दी, ठीक, और इसको छोड़ दिया। आप ऑब्जर्व कर सकोगे कि जो बी वायर है इसकी वाइब्रेशंस देर तक रहेंगी, वाइब्रेशंस दे स्टे लॉन्गर फॉर दिस बी, वेयर एज द वाइब्रेशंस ऑफ ए दे विल डाई सून, ये जल्दी खत्म हो जाएंगी। क्यों हुआ ऐसा? इसका मतलब कि जो वायर ए है, दैट वायर मस्ट हैव बीन टायर्ड और फटीग्ड, बिकॉज आपने ए वायर को बी से पहले भी बहुत देर तक वाइब्रेट कराया था, ठीक है। ये वही एग्जाम्पल हो गया जैसे मैं आपको बताती हूं कि मान लो ये दो बच्चे हैं, ए वाला जो बच्चा है ये 1 आवर तक देती हूं। मान लीजिए ए एंड बी आर टू बॉयज, ए जो है वो गया और लेट्स से 2 आवर्स तक वो क्रिकेट खेलता रहा एंड बी जो है वो रेस्ट कर रहा था घर पे, ठीक है। उसके बाद जैसे ही ए घर लौटा, बी बिल्कुल रेडी था कि चल यार अब फुटबॉल खेलने चलते हैं, और ये दोनों ए एंड बी फिर चले गए फुटबॉल खेलने। तो जब ये दोनों वापस आए, दोनों ने रेस्ट किया, बी जो है वो उसके बाद उनकी मम्मी ने बोला कि चलो अब दोनों बैठ के अपना अपना होमवर्क कर लो, तो बी जो है वो देर तक अपना आराम से होमवर्क करता रहा, ए बेचारा जल्दी सो गया। क्यों सो गया ए जल्दी? क्योंकि ए और बी जब फुटबॉल खेलने गए दोनों टायर्ड थे, दोनों फटीग थे, लेकिन दोनों ने जब थोड़ी देर रेस्ट किया तो बी जल्दी फ्रेशन अप होकर अपना होमवर्क करने बैठ गया, जबकि ए नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि फुटबॉल खेलने से पहले भी ए जो है वो क्रिकेट खेल रहा था 2 घंटे से, सो वो ज्यादा थका हुआ था एज कंपेयर टू बी। सो यही चीज यहां पर हो रही है कि ए और बी वायर में आपने ए वायर को
पहले ही इतना वाइब्रेशन देकर थका दिया कि जब आपने ए को बी के साथ फिर वाइब्रेट करना शुरू किया तो ए जल्दी थक गया और रेस्ट पर आ गया, जबकि बी देर तक वाइब्रेट करता रहा। सो दिस इज इलास्टिक फेटीग, कि आपने वायर को टायर्ड करवा दिया, फेटीग करवा दिया। क्लियर? एंड व्हाई द वर्ड इलास्टिक? बिकॉज दीज आर इलास्टिक मटेरियल, सो दैट इज व्हाई इट्स इलास्टिक फेटीग। क्लियर? अब जिस तरीके से आप लोग टायर्ड हो जाते हो, आप लोग फटीग हो जाते हो, लेकिन रेस्ट करने पर यू गेन एनर्जी बैक, इसी तरीके से वायर के साथ भी होता है। ठीक है, एक इलास्टिक मटेरियल के साथ भी होता है। जब आप एक इलास्टिक मटेरियल को कुछ टाइम के लिए रेस्ट पे छोड़ देते हो, सो वो वायर वापस अपनी ओरिजिनल डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी एक्वायर कर लेता है। ठीक है, दिस इज जस्ट लाइक ह्यूमन बॉडी। हम लोगों को भी रेस्ट करने को मिला है तो थोड़ी देर बाद हम लोग भी एकदम फ्रेश हो जाएंगे। वही चीज वायर के साथ है। इफ द वायर इज फटीग, सो यू गिव सम रेस्ट टू द वायर, रिलीव इट फ्रॉम द वाइब्रेशंस। सो आफ्टर सम टाइम द वायर विल गेट back to its normal elasticity. Okay, now applications of elasticity. The first application is bridges. जो bridge होते हैं इनको किस तरीके से design किया जाता है कि ये जो bridge हैं they are designed in such a way that they do not bend much and break under the load of heavy traffic. ठीक है, ब्रिज जो पुल बनाए जाते हैं वो बस यू ही खड़ा नहीं कर दिया जाता, प्रॉपर इंजीनियर्स उसको देखकर अच्छे से स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में पढ़ के इन द सेंस पूरा उसके बारे में कैलकुलेशंस करके कि हाँ अगर हमें यहां इस एरिया से उस एरिया तक एक स्ट्रेट एक ब्रिज बनाना है तो कौन सा मटेरियल उस पे लगना चाहिए, लेंथ और हाइट कितनी होनी चाहिए, विड्थ कितनी होनी चाहिए, ये सब केयरफुली एग्जामिन करके ब्रिज बनाते हैं। तो जो भी इलास्टिक मटेरियल ब्रिज बनाने में यूज होता है उस मटेरियल को केयरफुली सेलेक्ट किया जाता है, ये सब देखकर कि उस ब्रिज पर कितना हैवी ट्रैफिक जाना है। कभी आंधी तूफान आया पता लगा ब्रिज गिर गया तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, या पता लगा बेचारा ब्रिज अपना ही वेट सहन नहीं कर पाया और खुद ही कोलैप्स कर गया। सो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। सो इन सब चीजों को ध्यान में रख के कि कोई भी अनवांटेड हैपनिंग ना हो, ब्रिज को बहुत केयरफुली प्रॉपर इलास्टिक मटेरियल्स यूज करके बनाया जाता है। ठीक है, सो दिस इज वन एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन क्या हो सकती है, आपने शायद कभी ये चीज ऑब्जर्व करी हो, वैसे ना देखा हो टीवी में या मूवीज में देखा होगा ह्यूज ह्यूज क्रेन्स होती हैं, जो जंक यार्ड में काम कर रही होती है, वहां पे जो हैवी लोड होता है उनको लिफ्ट करके एक जगह से दूसरी जगह पे रख रही होती है, राइट? तो वो जो क्रेन है उस क्रेन में क्या है, एक मेटालिक रोप होती है, क्रेन के टॉप से एक मेटालिक रोप हैंग की जाती है और उस रोप की हेल्प से जो भी लोड है, जैसे मान लो कोई बेकार गाड़ी पड़ी हुई है, कोई कार है, उस कार को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पे रखना है। या आपने देखा होगा कि कभी कहीं कोई कंस्ट्रक्शन होनी है तो क्रेन बड़े बड़े वो आयरन के पिलर्स आगे रोप से उठा के लेके जा रही होती है। सो कैसे ये कैसे इतना हैवी जो मटीरियल है, ये एक छोटी सी मामूली सी एक रोप कैसे उसको उठाकर आराम से लेके जा सकती है।
इलास्टिसिटी की वजह से जो रोप्स यूज की जाती हैं इतना हैवी लोड पिकअप करने के लिए केयरफुली एग्जामिन करके ली जाती हैं कि एक तो मेटालिक रोप जो है उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए, देन उसकी इलास्टिक लिमिट कितनी होनी चाहिए। ठीक है, जो भी आप यहाँ पे रोप्स यूज कर रहे हो रोप्स के लिए उसकी इलास्टिक लिमिट देखी जाएगी, उसके लिए उसकी थिकनेस देखी जाएगी कि कितनी थिक रोप आपको यूज करनी है। एंड ऑफ कोर्स द फैक्टर ऑफ सेफ्टी, पता लगा रोप है, रोप से आपने एक कार एक जंक को उठाया हुआ है और वो रोप उठा के उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रही है, बीच में ही गिर गई, वो रोप टूट गई, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। सो बहुत केयरफुली इन चीजों को ऑब्जर्व करके एग्जामिन करके प्रॉपर हर मटेरियल की इलास्टिसिटीज को स्टडी करके फिर ये चीजें बनाई जाती हैं। ठीक है, कुछ जैसे आपके कुछ मशीन के पार्ट्स हैं, देयर इज अ मशीन, लेट्स से उस मशीन में ट्विस्टिंग टर्निंग बहुत कुछ होना है, सो जो मेटालिक पार्ट्स हैं मशीनरी के, द मेटालिक पार्ट्स ऑफ मशीनरी, इवन इन मेटालिक पार्ट्स को भी बहुत ध्यान से लगाया जाता है, इंस्टॉल किया जाता है, एंड इन मेटालिक पार्ट्स को कभी भी बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस नहीं अप्लाई किया जाता। अगर आप इन मेटालिक पार्ट्स की जो इलास्टिक लिमिट है अगर आप उसके बियॉन्ड इन पर स्ट्रेस लगा दोगे तो फिर ये परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएंगी और आपकी जो मशीन है वो खराब, राइट। सो दीज आर सर्टेन एप्लीकेशंस ऑफ इलास्टिसिटी। आप ब्रिज बना रहे हो तो आपको इलास्टिसिटी का इलास्टिक लिमिट का ध्यान रखना है, आप क्रेन बना रहे हो, मतलब बना रहे हो इन द सेंस क्रेन देख रहे हो जिसमें रोप है, उस रोप को किस मटेरियल का बनाना है, कितना लोड वो रोप उठा सकती है, ये सब आपको ध्यान में रखकर ही मटेरियल्स को सेलेक्ट करना पड़ता है। और ये सब काम के लिए इंजीनियर्स जो होते हैं दे आर परफेक्ट, दे डू इट विद मच प्रिकॉशंस एंड केयरफुल एग्जामिनेशन। फिर भी कभी कभी होता है, आपने न्यूज में भी देखा होगा कि भाई मेट्रो का ब्रिज बन रहा था, बंदे बंदे ब्रिज गिर गया, सो मेनी फैक्टर्स, तो वो कभी कभी देखो एरर तो सब जगह है, राइट। कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है, सो हो सकता है शायद केयरफुल एग्जामिनेशन ना किया गया हो तो ऐसा हुआ हो, बट 95% तो यही होता है कि अच्छे से हर मटेरियल को सेलेक्ट करके ही जो भी रिक्वायर्ड डिजाइन आपको करना है वो किया जाता है। बात कर रहे हो, ठीक है। रेलवे ट्रैक्स जब ले डाउन किए जाते हैं तो हर रेलवे ट्रैक में ना थोड़ा थोड़ा गैप रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि समर्स में वो एक्सपैंड करते हैं, देयर इज एन एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, सो एक्सपैंड करने के लिए उन्हें जगह भी तो मिले ना, इसीलिए उन्हें गैप्स देकर रखा जाता है। और जिस मटेरियल के वो बने होते हैं उसे भी बहुत ध्यान से सेलेक्ट किया जाता है। पता लगा ट्रेन निकल के गई रेलवे ट्रैक पे से, ट्रैक जो है उसमें क्रैक आ गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो जो ट्रेन है उसका लोड उसका वेट टॉलरेट कर सके।